Let us see a very interesting and very important from all board and exam point of view chapter, magnetic effect of current. इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे. एक तो देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर देखेंगे टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स. इजी इजी चैप्टर से उसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना. और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट. ये एक पूरा सा ब्लॉक है, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको माइनर क्लासेस में मालूम है. अभी टिपिकल क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस आर आल्सो नॉट डिफिकल्ट. और ये चैप्टर जो है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ चलता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ वगैरह निकला 16th century में, ये निकला 1850 में. अभी सिर्फ करीब करीब 200 साल पुराना है कॉन्सेप्ट. ट्रांजिस्टर वगैरह तो 1935 में निकला, ठीक है ना. तो वो तो सिर्फ 50-60 साल पुराना है. तो ऐसे ही है. तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ना, यू गेट ऑल टर्म्स सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे टर्म है, इसमें भी ऐसे ही सब सारे टर्म है. लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ व्हाट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. समझ में आ रहा है. एनालॉगसली चीजों को डिराइव किया गया है. सबसे पहले निकला इलेक्ट्रिकल साइंस में, सबसे पहले निकला करेंट इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ करंट को डिस्कवर किया गया. और हमारे स्क्रिप्चर में तो अगस्त संहिता करके एक बुक है, अगस्त ऋषि ने लिखे. आज से करीब करीब 5000 साल पहले पहला बैटरी वो बनाए थे. हाउ टू मेक ए बैटरी दैट इज देयर, 1.43 वोल्ट का पहला बैटरी बना था. काफी दिन बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तब भी होगा, लेकिन कोई रिकमेंड नहीं किया था या फिर नोट नहीं किया था. स्टैटिक चार्ज का इफेक्ट देखे, फिर लेटली देखे कि जो चार्ज रेस्ट में रहने से पूरा चैप्टर बन जाता है, वो चार्ज मूव करने से कुछ दूसरा चैप्टर बन जाता है. ये चार्ज एट रेस्ट, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ डाले. वो चार्ज मूव कर रहा है, अब ये पूरा नया चैप्टर जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे, चार्ज इन मोशन, ठीक है. जैसे आप इतने सारे किस्म की फ्रूट्स खाए हो, आपको कोई एक नया सा फ्रूट दिया जाएगा जिसको आप कभी ना देखे हो, ना जानते हो, ना कैसा टेस्ट है कुछ नहीं जानते हो. फिर इसको आप तोड़ोगे, उसके अंदर से ब्लैक कलर का कुछ हार्ड हार्ड निकलेगा, तो क्या कहोगे, क्या है उसका? सीड है. क्यों? क्योंकि इतना जो फ्रूट खाए सब में वही होता था. तो एनालॉगसली हम चीजों को मैग्नेटिज्म में भी डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज एनालॉजी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो भी है, कि मैग्नेटोस्टैटिक्स कहो उसको. समझ में आया. तो चलिए ध्यान से देखते हैं. सिमिलैरिटी बिटवीन और यही क्लास में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे. सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऐसे करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एंड को मारो, बोली समझ में आ रहा है, मैग्नेटोस्टैटिक्स. और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े कि द इफेक्ट ऑफ ए स्टेशनरी चार्ज, द सोर्स. यहां पर जो सोर्स था क्या था? इट वॉज ए चार्ज. चार्ज इज अ सोर्स. सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. अभी हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए उसके बारे में नहीं लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिख रहा हूं. नहीं तो दोनों के लिए लिख रहा हूं. एक तो हुआ, इसमें क्या होता है, सोर्स होता है पोल. इसमें चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, पोल को एम से डिनोट करते हैं. क्या हो गया? पोल. एनालॉगस टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे करंट एलिमेंट. क्या नाम है? करंट एलिमेंट, छोटा सा पीस ऑफ वायर कैरिंग करंट.
इज कॉल्ड करंट एलिमेंट और ए मूविंग चार्ज। सोर्स क्या हो गया? स्टेशनरी चार्ज, ये मूविंग चार्ज। बेटर रहेगा कि हम इसको ऐसे लिखें, ये हो गया स्टैटिक चार्ज। और इसमें क्या कहेंगे, पोल कहो, करंट कहो, या कहो फिर इसको मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका यूनिट होता था कूलम, इसका यूनिट होता है वेबर, और एम्पियर मीटर, करंट एलिमेंट का होता है एम्पियर मीटर। समझ में, आई एम टॉकिंग अबाउट एमकेएस यूनिट सिस्टम। क्या मेरी बात सबको पकड़ में आ रहा है? तो ध्यान से अगर चीजों को समझोगे और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो देखोगे चैप्टर में एकदम डिफिकल्टी कुछ नहीं है। बोल दीजिए, कूलम हो गया तो इधर हो गया वेबर। इधर जो चार्ज है वो दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जबकि यहां पर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का एनालॉगस है नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज का एनालॉगस है साउथ पोल। मतलब कहीं भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई टर्म को डिफाइन करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज की यूज करते हैं, इस चैप्टर में सेम सिमिलर टर्म को डिफाइन करने के लिए हम नॉर्थ पोल को डिफाइन करेंगे, यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, इट इज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट। यहां पर क्या कहेंगे, फोर्स ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल, क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फोर्स ऑन ए प्लस वन कूलम चार्ज एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यह कहेंगे फोर्स ऑन ए वन वेबर नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है ना, एनालॉगसली चीजें डिफाइन होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज का एनालॉगस क्वांटिटी हो गया नॉर्थ पोल। बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, हियर यू हैव कूलम्बिक फोर्स, जो अब हम नहीं बताएंगे, जो बाद में बताएंगे आपको, जबकि परमानेंट मैग्नेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कूलम्बिक फोर्स क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, नहीं लाइक पोल्स लाइक चार्जेस रिपेल ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहां पर भी ऐसे आएगा, क्यू वन क्यू टू की जगह एम वन एम टू आएंगे, पोल है के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसको कहते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट, जबकि कूलम को मालूम ही नहीं था मैग्नेट के बारे में। समझ में, 16 में कहा वो 1850, 150 साल तो जिंदा नहीं रहे होंगे। तो फिर कूलम्स लॉ क्यों, क्योंकि सिमिलरली बनाया तो कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट्स कहते हैं। समझ में आया क्या, डिराइव्ड है सारा चीज। क्या फॉर्मूला, इसमें के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसमें के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, दैट के इन केस ऑफ कूलम्स लॉ वाज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, हियर आल्सो के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। लेकिन हमारा जो चैप्टर हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें ये नहीं चाहिए, बल्कि अभी छोड़ रहे हैं, जब परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। देन यू डिफाइन लाइंस ऑफ फ्लक्स, तो हियर आल्सो यू हैव मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। जैसे उसमें था वैसे इसमें भी आ गया आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। क्या था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, इट इज द पाथ फॉलोड बाई ए मासलेस चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, और द टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स एट ए पॉइंट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। यहां पर भी वही है, लाइंस ऑफ फ्लक्स के बारे में आप जो जानते थे वहां पर, यहां पर भी सारा वो है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हियर आल्सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हियर आल्सो यू गिव द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज अदरवाइज गिवन बाय फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। मतलब चीजें सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा, अच्छा। यहां पर हम लोग एक तीसरा टर्म देखेंगे, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ढेर सारे फॉर्मूला उसके लिए देखे थे, फाई बाई ए और फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से रिप्रेजेंट करेंगे,
B is magnetic field intensity. Same. Magnetic flux passing for unit normal area. और फोर्स एक्सप्रेस बाय ये यूनिट नॉर्थ पोल. एम क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल. यहां पर F by Q में Q क्या था? पॉजिटिव चार्ज. यहां पर M क्या है? नॉर्थ पोल. अगर M वेबर का नॉर्थ पोल के ऊपर किसी जगह F फोर्स आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इज F by M. ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, यहां पर न्यूटन पर वेबर. ध्यान रहे इसका यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट होता है यहां पे आप न्यूटन पर वेबर कह सकते हो और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला ऐसा कह सकते हो. वन वेबर पर मीटर स्क्वायर इज वन टेस्ला ऐसा कह सकते हो. कौन सा यूनिट है ये? एमकेएस यूनिट सिस्टम में है. क्या बात समझ में आ रहा है? सब कुछ सिमिलर है, कोई भी नयापन इसमें नहीं है. अगर इसमें कोई नयापन नहीं है तो दोनों फील्ड में इतना अंतर क्यों आता है? क्या अंतर आता है? आप चाहे कितने भी पावरफुल मैग्नेट हो पास जाने में डर नहीं लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जाने में जानलेवा होता है, डर भी लगता है. सो व्हाई द टू फील्ड्स बिहेव सो डिफरेंटली? दोनों में डिफरेंस क्या है ये ज्यादा जरूरी है एनालॉजी जानने के लिए. जैसे इसको बढ़ाएंगे आगे तो और भी बढ़ेगा. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन पोजिशन होता है केपी बाई आर क्यू. नहीं, एन पोजिशन में 2 केपी बाई आर क्यू होता है. यहाँ पर भी होगा 2 के एम बाई आर क्यू. ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में माइनस केपी बाई आर क्यू. यहाँ पर भी माइनस के एम बाई आर क्यू. रूल्स आर 100% सेम है. अगर फॉर्मुला लिखूंगा इधर सारे का, इधर का सारे का, सब बराबर मिलेंगे. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में दी एनर्जी इज हाफ बी स्क्वायर म्यू. एप्सिलॉन की जगह म्यू आएगा, 1/ε की जगह म्यू लिखना है खाली. बस अंतर ये है कि डिफरेंस आएगा दोनों में. जहां जहां पर यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते हैं वहां पर हमारा म्यू आएगा. एनीवे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. बात चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का. पॉइंट नंबर 4. हाँ, तो पॉइंट नंबर 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटो स्टैटिक्स और मैग्नेटिक फेट ऑफ करंट जो भी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी कहो. यहां पर आपका जो कूलम्बिक फोर्स था दैट फोर्स वाज के क्यू आर क्यू टू बाय आर स्क्वायर, जबकि के का वैल्यू होता था 1/4πε. वैल्यू होता था एप्सिलॉन 0, वैल्यू होता था 9×10⁹. यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ओके m1 m2 बाय r स्क्वायर. यू नो m1 m2 रिप्रेजेंट द फोर्स स्ट्रेंथ्स. द वैल्यू ऑफ k इज μ0/4π. एक डिफरेंस आ गया, देखो फॉर्मूले में आ गया. यहां पर जहां पर 1/ε0 था वहां पर μ0 आ गया. ठीक है, दैट वैल्यू इज 10⁻⁷. मतलब k का वैल्यू, द कांस्टेंट हियर इज वेरी स्मॉल. ये तो ऑलमोस्ट 10⁻⁷ है. मतलब द कांस्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज 10⁻⁷ दैट इन मैग्नेटिज्म. मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में अंतर देखो. यहां पर 1 न्यूटन अगर फोर्स होता है तो एनालॉगस कंडीशन में वहां पर 10⁻⁷ न्यूटन. समझ में आ रहा है? 1 में 17 जीरोस, तो सोचो व्हाट ए ह्यूज फोर्स. सो जब भी दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे होंगे आंख बंद करके इसको छोड़ दो, क्योंकि इसी किसी काम का है नहीं उसके सामने. इट्स ए वेरी स्ट्रांग फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स तो उससे भी कम है. उसमें तो एक जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है और जी का वैल्यू होता है 6.67×10⁻¹. इससे भी छोटा. समझ में आ रहा है? अगर सिमिलर कंडीशन में सिमिलर साइज के मासेस चार्जेस एंड मैग्नेट्स किसी बॉडी के ऊपर फोर्स दे रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को इग्नोर करोगे. इलेक्ट्रिक फोर्स है तो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है उसके सामने बाकी तो कुछ नहीं है. समझ में आया? तो ध्यान रखना. और क्यों बता रहा हूँ ये सारे जरूरत में आएगा. वो पूछेंगे इसे, दो चार्ज को फेंक दिया गया,
दे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज। आप देखोगे मैग्नेटिक फोर्स उनको पास लाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उनको दूर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने मैग्नेटिक फोर्स की कोई औकात नहीं है, तो क्या कहेंगे, दूर चले जाएगा। समझ में आ रहा, इसलिए सारी जानकारी को धीरे धीरे लेते चलो, फिर देखोगे बहुत आसान लगेगा, मजे मजे में पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर पकड़ में आ जाएगा। चलिए, हमें यहां तक समझ में आ गया कि k इज 1/4πε0 दैट इज 9×10⁹, हियर k इज μ0/4π×10⁻¹। यहां पर यू हैव अ टर्म कॉल्ड एप्सिलॉन, जिसको आप लिखते हो ε₀ × εr, मतलब सबको मालूम है ε₀ इज 8.854×10⁻¹2 फराड पर मीटर। ये पेन डाल दूंगा पीछे पढ़ो, फराड पर मीटर। और यहां पर जो म्यू है इसको क्या कहते हैं, परमीएबिलिटी। कैसे लिखते हैं, μ₀ × μr। इसमें जो μ₀ है वो क्या है, इट इज 4π×10⁻¹7 हेनरी। सर ये क्या होता है, अरे बहुत कुछ होता है, पहले समझो। यहां पर फैराड क्या था, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हेनरी इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। पढ़ेंगे इंडक्टेंस क्या है मालूम नहीं, सो इट इज हेनरी पर मीटर। इसको कहते हैं परमिटिविटी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी, μ₀ इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μr इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। बस एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो आपका एप्सिलॉन आर था, इट वाज 1 फॉर एयर एंड इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स, था कि नहीं, याद रखे हो क्या, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर। लेकिन यहां पर कुछ अलग है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनाते हैं। क्या अलग है, अलग ये है, थोड़ा सा इसको रख देते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा है, यस। यहां पर जो आपका μr है, ये μr इज 1 फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, सर कौन सा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, जो मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते वो नॉन मैग्नेटिक है। क्या आप ऊर्ड को मैग्नेटाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नॉन मैग्नेटिक। नहीं, आयरन को मैग्नेट कर सकते हो, आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल, तो जिसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते वो है नॉन मैग्नेटिक। तो ये हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1, एंड दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसका वैल्यू रहेगा। ध्यान रहे कि कंडक्टर के लिए ये इंफिनिटी था, लेकिन ये कंडक्टर के लिए इंफिनिटी नहीं है, कॉपर इज ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक, कॉपर के लिए μr का वैल्यू 1 आएगा, कॉपर इज मेटल, आयरन इज आल्सो मेटल, लेकिन उसके लिए μr का वैल्यू 200 से शुरू करके 1200 तक जाएगा, डिपेंडिंग अपन हाउ इट इज बीन मेड, कितना क्विंचिंग करके मोल्टेन आयरन को ठंडा करके सॉलिड बनाया, उसके हिसाब से उसका पैरामीटर्स बदल जाते हैं। मान लो कि एक मोल्टेन आयरन को छोड़ दिए खुले में, धीरे 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 15 दिन में ठंडा हुआ, उसका μr कुछ अलग होगा, तुरंत उसके ऊपर पानी स्प्रे किए फिर ठंडा किए, अलग होगा उसका, कैसे क्वेंचिंग होता है, कैसे ठंडा करते हैं, किसे उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जी बनाते हुए तो वही है ना, किसको धीमी आंच पे करना है, किसको जोर से तगड़ा हीट देके करना है, उसके हिसाब से टेस्ट बदल जाता है। एक डेली आयरन का भी वही है कि उसका चीजें बदल जाता है। यहां पर तो आयरन का वैल्यू 200 से शुरू करके 1200-1300 तक जाता है, ठीक है। तो μr का वैल्यू 1 है किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ये मत सोच लेना कि एनालॉगसली कंडक्टर में इंफिनिटी होता है, तो इसे भी कंडक्टर में इंफिनिटी होगा। क्या चीजें समझ में आया, दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे फिर भागेंगे आगे। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 5 का क्या देखे हम लोग अभी तक, हम देखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ ए स्टैटिक चार्ज, एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए मूविंग चार्ज और ए करंट एलिमेंट और पोल, मैग्नेटिक पोल। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड इज पोल और करंट एलिमेंट और एनी मूविंग चार्ज। बाद में हम लोग देखेंगे जिसको हम पोल करें वो भी एक मूविंग चार्ज ही है,
The only source of magnetic field is a moving charge only. What is a pole? अभी तक हम पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा पोल क्या है, नहीं? तो ये भी एक मूविंग चार्ज है. एनीवे, इसका कूलम एक इधर इधर है, इसका यूनिट वेबर होता है फॉर परमानेंट मैग्नेट्स में, और इस केस में होता है एम्पियर मीटर होता है. इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कैंड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए एम्पियर मीटर होता है. आया समझ में? चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. जो पोल है वो नॉर्थ पोल हो सकता है, साउथ पोल हो सकता है. ध्यान रहे कि पॉजिटिव चार्ज का एनालॉगस क्वांटिटी नॉर्थ पोल है, नेगेटिव चार्ज का एनालॉगस क्वांटिटी साउथ पोल है. मतलब जहां जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ चीज को डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप वहां पर कहोगे यूनिट नॉर्थ पोल. समझ में आ रहा है? जैसे हम कहेंगे कि डायपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली आप कहोगे मैग्नेटिक डायपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट पोल्स एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है. यहाँ पर होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पूछ चुके हैं. एंटायर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बलबुते पर चलेगा. आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, डेफिनेशन आता है, तो ये ऐसा ही है करके चलेंगे. समझ में आ रहा ना? वैसा ही करके चलते है ना. तो ठीक है, समथिंग स्पेलिंग कुछ जल रहा है क्या? दिमाग दिल कुछ नहीं. चलो ठीक आगे. तो E इज इक्वल टू हो गया. अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन सब फ्लक्स है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन सब फ्लक्स है. E क्या है? फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. B भी वही है, फ्लक्स पर यूनिट फ्लक्स बाय एरिया और फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल. अगर Q कूलम की पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किसी जगह फोर्स F आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाय Q. वेक्टर भाई. और अगर M वेबर का नॉर्थ पोल के ऊपर कोई फोर्स आया तो मैग्नेटिक फील्ड इज F बाय M. यूनिट बन गया न्यूटन पर वेबर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला कहेंगे. समझ में आया? कितना हम लोग इसका. फिर क्या देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? कूलम्स लॉ है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इधर है के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इधर के इज 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इधर के इज म्यू जीरो बाई फोर पाई. इसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, इसका वैल्यू 10⁻⁷, एंड यू सी दिस इज अ वेरी बिग क्वांटिटी इन एमकेएस यूनिट सिस्टम एज कंपेयर टू दिस. रेस्ट एप्सिलॉन परमिटिविटी परमिएबिलिटी परमिटिविटी फ्री स्पेस रिलेटिव परमिटिविटी वो सब हम देख चुके हैं. समझ में? अभी थोड़ा सा मैं कोई एक कन्वर्सन बताता हूं, इंटरेस्ट वगैरह के लिए काम में लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. सपोज हम कुछ चीजें कहेंगे, छोटा सा कन्वर्सन. हमें याद रखना है कि प्लस क्यू है तो एम वेबर नॉर्थ पोल, माइनस क्यू है एनालॉगसली वहां पर क्वांटिटी होगा एम वेबर साउथ पोल. यहां पर एप्सिलॉन जीरो है तो यहां पर होगा 1 बाय म्यू जीरो. समझ में आ क्या? तो ठीक है, काम खत्म हो गया. बाकी आप सारा को सारा फॉर्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जानकारी के साथ, अगर हम कहेंगे कि एनर्जी डेंसिटी, और इधर ई है तो इधर बी है, हम लोग जानते हैं एनर्जी डेंसिटी हो गया मान लो स्क्वायर हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन. यहां पर एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगा कोई गेस करके बताएगा? हाफ ई के जगह बी स्क्वायर, एप्सिलॉन के जगह बाय म्यू नॉट. समझ में आ रहा है? बन गया फॉर्मूला. बोलो आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला जानना चाहते हो. सपोज हम कोई डायपोल के लिए करेंगे, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या था? इट वाज क्यू इनटू एल और क्यू इनटू डी, क्यू इनटू टू एल कुछ भी करते थे. अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस एल है तो यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. यहां पर डायपोल मोमेंट को पी कहते थे, यहां पर एम कहते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
क्या हो गया m into l. This was directed from negative charge to positive charge. This will be directed from south pole to north pole. जो चीज आपको आता है सारा कोई भी फॉर्मूला बनो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम एनालॉगसली कन्वर्ट कर लेंगे इसमें कोई भी फॉर्मूला ले लो. ये सब आप क्योंकि लिख चुके हो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा दूंगा. दूसरे पेज जाने से बेहतर है कि यहाँ पर समझ में आ जाए. ये समझ में आ गया इसको मिटाते हैं. पॉजिटिव चार्ज इज नॉर्थ पोल नेगेटिव चार्ज इज साउथ पोल. सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. मोमेंट है पी. डायरेक्शन है ऐसे मतलब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज. यहां से एक्स डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो बनता था कितना 2kp बाय आर क्यूब आगे नहीं ऐसे था. चलो सेम केस को मैं बनाता हूं फॉर मैग्नेटिज्म. सेम केस को मैं बनाता हूं मैग्नेटिज्म के केस में. सपोज यहां पे कोई एक मैग्नेट है. ये है नॉर्थ पोल ये है साउथ पोल. तो मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा. इट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. और क्या होगा नाम इसका m. वैल्यू होता है स्मॉल m इनटू l दैट यू नो. एंड यहां से कुछ x डिस्टेंस में है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सोचो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा. ओह सॉरी क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो आप. हाँ बोलो कितना हो रहा है. यहाँ पर आपका m का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b इज इक्वल टू क्या था 2kp बाई आर क्यूब. थोड़ा k को एक्सपांड कर देते हैं. k क्या था भाई 1/4πε0. तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज 2 अच्छा इट इज पी बाय 2πε0 आर क्यूब. क्या ये बात था k वाज 1/4πε0 2kp मतलब 1/2πε0. हाँ अब बताओ p के जगह लिखेंगे m जो कि इस डायरेक्शन में होगा m बाय 2πr³ का तो कोई कन्वर्सन नहीं है बस 1/ε की जगह. समझ में आ रहा कोई भी फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मालूम है कोई भी यू कैन कन्वर्ट इट एनालॉगसली नोइंग दैट q इज टू बी ए पॉजिटिव चार्ज इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए नॉर्थ पोल नेगेटिव चार्ज इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए साउथ पोल 1/ε टू बी रिप्लेस्ड बाय म्यू और एप्सिलॉन टू बी रिप्लेस्ड बाय 1/μ. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद है वो सारे क्योंकि डिराइव्ड है मतलब ये पूरा उसका चचेरा ममेरा भाई है. लेकिन ध्यान रहे अपना भाई नहीं है मतलब सब कुछ मैच नहीं करता है कुछ तो गड़बड़ है. ट्विन ब्रदर होना चचेरा भाई होना कुछ अलग अलग है कि नहीं. ये ट्विन नहीं है मतलब सारा जो होता है इसमें ये होता है एनालॉगसली चीजें बराबर मिल जाते हैं. तो डिफरेंस क्या है. डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. कोई इसके ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेगा राइट. 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कोई नहीं पूछेगा. जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसमें आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा. जैसे कोई अगर पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b वेक्टर है किस कलर है. इट इज फोर्स फॉर यूनिट नॉर्थ पोल है तो वेक्टर है नहीं. और कोई पूछेगा कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और यहां पर कोई एक मैग्नेट को हम ऐसे रखे हैं और आपको बताना ये है कि ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स पाएगा और उसके चलते घूमेगा. कैसे घूमेगा. क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. सोचो कैसे सोचे कैसे सोचे कैसे सोचे. सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा गया है. नॉर्थ पोल के जगह कौन से चार्ज पॉजिटिव साउथ पोल के जगह नेगेटिव चार्ज. ये बार अब ये डाइपोल कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल गेट ए फोर्स लाइक दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट ए फोर्स लाइक दिस इट विल रोटेट. हियर आल्सो द सेम थिंग नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड साउथ पोल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड.
समझ में आ रहा है क्या चीजें आना लोगों से है, तो आपको काफी कुछ मदद मिल जाएगा बिना चैप्टर को पढ़े। कोई अगर मेडी फील्ड के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे, जिसमें बताया कोई भी फल को तोड़ते हो अंदर से कुछ ब्लैक सा हार्ड सा चीज निकलता है तो आप बोलते हो कि सीड है, एग्जैक्टली दैट वे, क्योंकि इतने सारे खाए उसके अंदर ऐसे ही होता था। एनीवे, तो ऑब्वियसली दिस डिस्कशन विल हेल्प यू अ लॉट। जिनको सारा चीज याद नहीं आया उनको वीडियो को देख लेना चाहिए, बार बार देख लेना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या अंतर है दोनों में, क्यों ये दोनों फील्ड इतना डिफरेंटली बिहेव करते हैं, हमें किसी मैग्नेट के पास जाने में कतई डर नहीं लगता है, चार्ज के पास जाने में डर लगता है। पहला तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सोर्स है चार्ज है, इट इज आइसोलेटेडली अवेलेबल, यू कैन गेट ए पॉजिटिव चार्ज, यू कैन गेट ए नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? तो आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल, आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए मिल जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा नहीं, ये हमें अवेलेबल है, ठीक है, आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल, ठीक है, बट आइसोलेटेड पोल्स आर नॉट अवेलेबल। कैन यू गेट ए नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल लाओ तो उसके पीछे रहेगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे ऑलवेज कोएग्जिस्ट, यू कैन नॉट गेट ए मोनोपोल, सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें चार्ज भी अवेलेबल है, डाइपोल भी अवेलेबल है, इसमें सिर्फ डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, यू कैन नॉट गेट ए मोनोपोल, सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए साउथ पोल नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कहोगे सर एक मैग्नेट ले लेंगे और ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, एक पीस काट के ले आएंगे ये नॉर्थ पोल, अरे भैया जब इसको काट के लाओगे अब देखोगे ऑटोमेटिकली इधर साउथ पोल डेवलप हो गया, क्योंकि काट के चिपकाने से फिर से चिपक जाता है, और इसमें क्या डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल, छोड़ दोगे फिर से चिपक जाएंगे, ऑपोजिट पोल विल बी डेवलप्ड, आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पोल आपको समझ में आ जाएगा क्यों साउथ पोल होता है यहाँ, ठीक है। खैर, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, क्या ये बस इतना ही अंतर है? हाँ बस इतना ही अंतर है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स। इसके चलते बहुत सारे चीजें और निकल के आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल डिफरेंस। नहीं, किसके नाम? अशोक कुमार है, इसके नाम भी अशोक कुमार है, डिफरेंस ये कि पंडा एक महांती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया कि नहीं? अशोक कुमार पंडा एक अशोक कुमार महांती, मतलब दे बिलोंग टू ऑल टू डिफरेंट फैमिलीज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउ। नहीं, चलिए देखते हैं ये एक डिफरेंस दूसरा डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और ये अगर एक नेगेटिव चार्ज है, आप जानते हो कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल गो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गो टू द नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके जाए, यू नो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है कि जो मैग्नेट है, इस केस में आप देखोगे ये मैग्नेट की केस में थोड़ा बढ़िया से बनाए, ये जो मैग्नेट है सपोज हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा था, मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलेगा, ऐसे करके जाएगा, थोड़ा सुंदर दिखेगा कलरफुल पेन से करते हैं, यस नॉर्थ पोल से निकला और ऐसे करते गया 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 आके साउथ पोल पे पहुंचेगा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसको काटो तो हर जगह नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलता ही नहीं मिलता है, तो इन सॉर्ट्स ऑफ दोज पोल्स इट विल कंटिन्यू थ्रू दिस और ऐसे जाएगा, दिस इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स, इधर से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलेगा वो ऐसे आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, और यहां से ऐसे करके ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स इसके अंदर से जाते हैं और दे आर गोइंग लाइक दिस। तो क्या देखे हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स है नेवर फॉर्म क्लोज लूप,
समझ में आया? ये तो मैं बताया आपको एक परमानेंट मैग्नेट के लिए, दिस वाज फॉर ए परमानेंट मैग्नेट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए देखेंगे, कोई मूविंग चार्ज या फिर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके चलते आप देखोगे लाइंस ऑफ फ्लक्स आर ऑल फॉर्मिंग क्लोज लूप लाइक दिस, लाइंस ऑफ फ्लक्स आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो यहां पर क्या हुआ, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इधर ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक फील्ड, ये सब ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ फ्लक्स यहां पर एक जगह से शुरू होकर दूसरे में खत्म होता था, ये जहां से शुरू होता है घूम फिर के वही वापस आता है, तो एक डिफरेंस से दूसरा बन गया, दूसरे से बनेगा तीसरा। क्या तीसरा डिफरेंस है? लेट मी नोट इट। तीसरा डिफरेंस को हम लिखने जा रहे हैं, तीसरा डिफरेंस क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में the net flux coming out of any closed surface yes. was equal to Q by epsilon Gauss law. Net flux coming out. अगर हम कहेंगे ये कोई एक closed surface है, यहाँ से कोई flux ऐसे जा रहा है, तो net flux coming out is flux coming out minus flux going in. Yes. तो अभी अगर यही surface के लिए ये flux के लिए बात किया जाए, तो आप कहोगे net flux coming out is zero. नहीं? और अंदर अगर कोई चार्ज है, इसके चलते फ्लक्स जा रहा है, तो यस देयर इज सम नेट फ्लक्स कमिंग आउट। लेकिन मैग्नेटिज्म की केस में लाइंस ऑफ फ्लक्स तो क्लोज लूप कर रहे हैं ना, ये फ्लक्स है, आप कैसा भी शेप का एक सरफेस ले लो, जितना घुसेगा वो तो निकल जाएगा, है कि नहीं? अंदर जाके खत्म नहीं होगा या फिर अंदर से शुरू तो नहीं होगा, ये क्लोज लूप बना रहा है। सो द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, जबकि यहां पे नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो एंड यू से इट इज गॉस लॉ। यहां पर गॉस लॉ का एनालॉगस लॉ नहीं है, तो गॉस लॉ को लेके जितने सारा डेवलपमेंट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सारे यहां पर नॉलेज वर्ड हो गया, दैट्स नॉट एप्लीकेबल हियर। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट को, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को? ऐसे लिखेंगे, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू क्यू बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो, जबकि हियर नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। Why? Because magnetic flux always form closed loop. क्योंकि magnetic flux हरदम closed loop कहते हैं, net flux coming out of any closed surface is always equal to zero. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, point number 4. Net flux coming out of any closed surface, you know E is equal to d phi by ds. Analogously, you know B is equal to d phi by ds. So, यहां पर phi क्या था? Integration of E dot ds over a closed surface S, which was equal to Q by epsilon zero. यहां पर net flux coming out is similarly B dot ds का closed surface integration, and that is not Q by epsilon zero, that is zero. ये very very important equation. What is the value of closed loop integration of B dot ds over a closed surface? Zero. समझ में आया क्या? ये बन गया zero. इधर Gauss law is applicable, उधर Gauss law का नामो निशान नहीं है. देखो एक से कितना ज्यादा डिफरेंस निकल के आने लगा है, एक डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस बनाने लगा है. बढ़िया, क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए और थोड़ा आगे बढ़े, और भी डिफरेंस देखेंगे. और भी डिफरेंसेस देखेंगे.
चार डिफरेंस देख चुके हैं हम लोग, लेट अस गो फॉर द फिफ्थ वन। ठीक है, आपने देखा कि जो लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होते हैं। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स ऐसे निकला, ऐसे गया, और आप जानते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स, ऐसा है, इट इज टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स, ऐसा है कि नहीं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे जो लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स है दे आर ऑल फॉर्मिंग क्लोज लूप, ये है लाइन्स ऑफ फ्लॉक्स, और यहां पे अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट दैट विल गिव मी द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या देगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हाँ, ये सब तो पहले से मालूम था। ई क्या था, फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर को फोर्स आएगा। बी क्या है, फोर्स ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल का रखेंगे इधर को फोर्स आएगा, साउथ पोल रखेंगे उल्टा फोर्स आएगा, ये समझ में आया। अगर हम कोई एक प्लस क्यू कूलम चार्ज को, ऐसा कोई एक चार्ज को मैंने ऐसे मूव करवाया धीरे धीरे, तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मैं वापस आऊंगा वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बार ऐसे घूम के आने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है, टोटल वर्क डन बन जाता है जीरो, यू से द फील्ड इज कंजर्वेटिव। लेकिन अगर हम किसी एक मैग्नेट को, किसी एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल को लेके आते हैं और ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को ऐसे मूव करवाएंगे फोर्स इधर को आएगा, तो ऐसे जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कंटिन्यूअसली वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एक बार पूरा घुमा के ले आओ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, द फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, इट्स ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, समझ में आया क्या, तो दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव, दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, ये फील्ड में वार्डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज जीरो, इसमें वार्डन इन ए क्लोज लूप, हम ये नहीं कहेंगे कि नॉट जीरो, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो, बट जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरली जीरो, आर यू गेटिंग, जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता डिपेंडिंग अपन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कंजर्वेटिव फील्ड में जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव में कुछ भी हो सकता है, समझ में आया क्या, तो ये चीजें याद रखना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, लिखेंगे वर्डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू एनी क्लोज लूप इज जीरो, किसी क्लोज लूप में एक बार घुमाओ वर्डन इज जीरो, समझ में आया क्या। और यहां पर जैसे यहां पर चार्ज की बात कर रहे थे, यहां पर पोल की बात करेंगे, वर्डन इन मूविंग ए पोल, ए पोल थ्रू एनी क्लोज लूप इज जीरो नहीं, इज नॉट नेसेसरीली जीरो, नॉट नेसेसरीली जीरो, जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, ये जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा जगह बना के लिखना पड़ता है, इज नॉट नेसेसरीली जीरो, जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है। वर्डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू आउट एनी क्लोज लूप, ये फील्ड इज जीरो का मतलब फील्ड इज कंजर्वेटिव, जबकि ये फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, क्या बात समझ में आया, नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है, आप जानते हो कि वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज थ्रू आउट एनी क्लोज लूप, कैसे लिखे इसको, हम लिखेंगे वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डीएल, सॉरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल इज नॉट डीएल,
एंड वार्डन ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, जबकि एनालॉगसली बी डॉट डीएल ओवर एनी क्लोज लूप इज नॉट नेसेसरली जीरो। सर जीरो नहीं है तो फिर कितना है, पढ़ेंगे एमपीएस लॉ करके एक लॉ आएगा, दैट इज ड्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप, बाद में पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट जीरो। कितना है पढ़ेंगे, उसके लिए भी एक लॉ है, म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप, जिस लूप को देख रहे हैं उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? दीज आर ऑल कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, आजकल आपका सिलेबस से मैक्सवेल्स इक्वेशंस निकल गया, 16 मैक्सवेल इक्वेशन है, वो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे और वेक्टर कैलकुलस फॉर्म में है इंजीनियरिंग में, बट 16 फॉर्म आपके यहाँ पे था, अभी वो मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह भगा दिए। कोरोना के बाद ये बहुत कंसिडरेट हो गया, बोर्ड बच्चों को मेहनत नहीं करवाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं बच्चे। बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं, अब और मालूम नहीं किसी की जिंदगी में अगर कभी ऐसा एक सिचुएशन आया, अभी तो नहीं आएगा, आप हंस दोगे, अभी किसी के दिमाग में ऐसे नहीं, बाय चांस कभी ऐसे आया कि मुझे सुइसाइड करना चाहिए, तो दो चीज याद रखना, मेरे को याद करना, पहले सारा संपत्ति मेरे नाम पे करना, विल करना, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, व्हेन वी आर इन अटमोस्ट सोरो और डिप्रेशन वी गो फॉर इट। सोरो एंड डिप्रेशन आर ऑल रिलेटिव डिपेंडिंग अपन द थिंग्स एंड बींग्स अराउंड। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो जगह है, उनको लेके सोरो और डिप्रेशन होता है। कोई नई जगह पे खराब लगता है क्या? नहीं लगता ना। आपकी स्कूल में दोस्तों के सामने डांट पड़ने से जितना खराब लगेगा, आप दिल्ली में गए हो, कोई नहीं है, किसी को नहीं जानते हो, आपको कोई नहीं जानता है, उतना ही डांट पड़ेगा, खराब लगेगा क्या? नहीं, रिलेटिव होता है। चेंज प्लेस, ठीक है, डोंट कमिट सुसाइड। और ऐसे काफी लोग हैं जो ऐसा सिचुएशन में घर छोड़ के निकल गए और बाद में पता चला दे बिकेम वेरी ह्यूज पर्सनैलिटी, क्योंकि सुसाइड करने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत होता है, उतना ताकत आपके पास है तो इंजीनियरिंग मेडिकल क्या सब कुछ मिल जाएगा। तो डरो मत, जिनको जिनको नहीं मिल रहा है वो कभी जिंदगी में सुसाइड नहीं करेंगे, ताकत नहीं है, सिंपल। माँ बाप कभी कभार खुश भी हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला ना, हाँ इसका अंदरूनी ताकत कम है, हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट डिफरेंस इज, ये जो हम लोग अभी देखे यहाँ पे कि हमारा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, आप जानते हो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ, किसी भी रास्ते में लेके आओ, क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, मैग्नेटिज्म तो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल करके कोई टर्म नहीं मिलेगा, झटका देने वाली चीज गायब है। एंटायर मैग्नेटिज्म चैप्टर में There is no term like potential or potential energy. Energy मिलेगा, but लेकिन वो potential energy नहीं है। Magnetic potential वाला term नहीं मिलेगा। जो आपका electrostatics का second part था, क्या था? Potential, potential difference, capacitance, वो part गायब। क्योंकि इसमें ये conservative field ही नहीं, तो उसका कहाँ potential, potential difference आएगा? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? Magnetic potential, potential and पोटेंशियल डिफरेंस आर पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस क्या, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफाइंड, दे आर डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, एंड नॉट डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स, मैग्नेटो और मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड में आपको कोई पोटेंशियल जैसे चीजें नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आया? अब दोनों फील्ड में क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए परमानेंट मैग्नेट और ए मूविंग चार्ज, द
जब हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं तब भी हम कहते हैं कि दैट इज ऑल्सो ए मूविंग चार्ज। जब हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज ए परमानेंट मैग्नेट, व्हाट हैपेंस बाय वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो देखोगे ये पोल इज नथिंग बट ए मूविंग चार्ज ऑनली। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल शुरू करते हैं कि विद द सोर्स व्हाट आर द थिंग्स। कूलम्स लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ा, पहले कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की बेसिस पे हम निकाल दिए व्हाट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली वी स्टार्ट विद बायोट-सावर्ट्स लॉ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। Produced by a moving charge. ये बायोट-सावर्ट्स लॉ है। लॉ का दो पार्ट है, मूविंग चार्ज करंट के नहीं कंडक्टर। किसी भी रंग रूप में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो हम इसको मूविंग चार्ज कहेंगे, है ना। अगर कोई चार्ज कैसे कैसे भी मूव कर रहा है तो हम इसको मूविंग चार्ज कहेंगे। तो लॉ है, यू कैन नॉट आस्क की व्हाई, लॉ मतलब ऐसा होता है, भगवान की माया है, ऐसा ऐसा होता है जब चार्ज मूव करते हैं। क्या होता है, दी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड by motion of a plus q coulomb charge is given by b is equal to mu q v plus r by r q, क्रॉस प्रोडक्ट है, म्यू क्यू भी क्रॉस आर बाय आर क्यू, म्यू बाय फोर पाई, म्यू क्यू म्यू बाय फोर पाई। ठीक है, लॉ है। आप पूछोगे सर कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ऐसे होता है। ठीक है ना, लॉ समझे थोड़ा इसको। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और मान लेते हैं कि इधर जा रहा है कुछ भी वेलोसिटी में, और आपको पता करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी, ये कौन सा पॉइंट है, चलो इसको कहते हैं पी, मतलब बी एट पॉइंट पी हम निकालना चाहते हैं। आर क्या है, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट विद वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आप इसका मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हो, ये है वेलोसिटी, ये भी है, ये क्या है, ये वेक्टर है आर वेक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसे निकालेंगे, म्यू क्यू भी क्रॉस आर बाय फोर पाई आर क्यूब, है ना। तो इसमें इसमें आप कहोगे थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो बस इतना ही पूछेंगे, स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ एक्सप्लेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। तो आपको इसे फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट इज म्यू क्यू भी आर साइन थीटा बाय फोर पाई आर क्यू। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो बी क्रॉस आर हो गया बी आर साइन थीटा, तो ये एक आर दूसरे आर को खा गया, मारपीट के छोटा हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं, जगह की कमी है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हो, इसको भगाया और थ्री को बना दिया टू, जिसमें आर क्या है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट और थीटा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों का बीच का एंगल को आप थीटा कह रहे हो, भी और आर के बीच में एंगल। तो अगर आपको वन मार्क टू मार्क के लिए स्टेटमेंट पूछा, ये सब लिखना पड़ेगा और साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि क्यू क्या है, वी क्या है, म्यू क्या है, पाई क्या है, आर क्या है, सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके फुल मार्क मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं
आप म्यू के जगह आदत डालो म्यू जीरो लिखने की, ये म्यू जीरो है। हाँ तो पॉइंट नंबर वन, फिर वी इज वेलोसिटी ऑफ, ध्यान रहे वी को क्यों लिख रहा हूं, प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज, नॉट माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज, प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज है तो उसका वेलोसिटी है वी, समझ में? अच्छा, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ, वेक्टर मत लिखो खाली पोजिशन लिखने से भी होता है, पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू, म्यू इज म्यू बाय फोर पाए, सीधा लिखो म्यू जीरो बाय फोर पाए इज 10^-7, म्यू जीरो इज कॉल्ड परमेबिलिटी, 10^-7 हेनरी पर मीटर, हेनरी है ना, जैसे पीटर होता है हेनरी होता है, ये वही वाला हेनरी, हेनरी पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू की विषय तेरा भी पता है। हाँ इसको भी देखते हो लो लिखा कि नहीं लिखा, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड आर, इतना लिखोगे तो एक डेढ़ मार्क जो भी होगा स्टेटमेंट में वो मिलेगा। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दी, कभी कभार दो मार्क के लिए देते हैं टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन आल्सो, डायरेक्शन ऑफ बीपी, ये पॉइंट नंबर वन था। पॉइंट नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ बीपी इज, देखो बी एट पॉइंट पी इज द क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा आर को भी परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम कहेंगे डायरेक्शन बीपी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू बी एंड आर, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी एंड आर, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वी एंड आर है, कौन सा प्लेन, मेरा बोर्ड, बोथ द वेक्टर्स आर ऑन द बोर्ड, सो पी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। अब इसमें भी काफी क्लैरिटी नहीं मिला क्योंकि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जब हम कहते हैं हो सकता है कि अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ, अंदर होगा कि बाहर होगा, ठीक है ना, देखते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ बीपी इज गिवन बाय, एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ बीपी इज गिवन बाय राइट हैंड, फिस्ट रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल, दायां हाथ का मुट्ठी, दैट विल डिसाइड राइट हैंड फिस्ट रूल, क्या कहता है, फिर राइट हैंड फिस्ट इज क्लोज्ड विथ थंब बीन ओपन इफ थंब
indicates, gives direction of velocity of positive charge, then other fingers give direction of magnetic field. Other fingers indicate the direction of magnetic field around it. क्या मेरी बात समझ में आया? यहाँ पर एक भूत रहता है, मैं जितना पानी लाके रखता हूँ पीने के लिए, वो सारा सारा बोतल खाली करके भाग जाता है, कभी नहीं लाता। अच्छा, पानी वाला भूत। Then other fingers give the direction of magnetic field around it. सोचो कि कोई पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉइंट को इंपोर्टेंस देना, कौन सा बताओ? ये थॉम इंडिकेटर के लिए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है और आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कैसा, टेक योर राइट हैंड, क्लोज योर फिस्ट, कीप योर थंब ओपन, थंब को खुला रखे, लेट योर थंब इंडिकेट द डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर को गया है। तो हम जानते हैं कि जो फिंगर्स है वो कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी हो गया, मेरे फिंगर्स कैसे घूम रहे हैं, ऐसे, मतलब लाइंस ऑफ फ्लक्स आर ऑल मूविंग लाइक दिस, एंड टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, समझ में आ रहा है क्या? द टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप जानते हो कि अगर हम ऐसा सिंबल देते हैं इसका मतलब होता है इनवर्ड, और अगर ऐसा सिंबल देते हैं तो ये क्या होता है? आउटवर्ड। समझ में आया क्या ये बात? We can take a small example and understand. Suppose हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज था, और इस चार्ज ये क्या कर रहा है, सपोज इट इज मूविंग अराउंड दिस लाइन, और चलो मानते हैं कि इधर जा रहा है, मुझे पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए यहाँ पे और एट पॉइंट बी यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट पे पता करना है। तो क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट, हम बस इतना मालूम है apparently to us that the field at end B will be normal to the board, that's all, normal to the board होगा, बस पता ये करना है कि अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। Close your right hand fist with your thumb being open, let your thumb indicate the direction of velocity of positive charge, other fingers are entering here and coming out here, that means here the magnetic field is inward, here the magnetic field is outward, क्या बात समझ में आ रहा है? अगर मैं केस बदल देता हूँ, say here is a minus q coulomb charge which is going in this direction, अब मुझे बताना है यहाँ पे और यहाँ पे magnetic field कौन सा direction में होगा, what is the direction of magnetic field, क्या आप मुझे कोई बताएगा, मुझे to the left of this charge what is the magnetic field here, सोचो ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर flux घुसते इधर से निकलते, पॉजिटिव होता तो इधर होता इनवर्ड, इधर होता आउटवर्ड, लेकिन है चार्ज नेगेटिव तो यहाँ पे हो जाएगा इनवर्ड और यहाँ पे हो जाएगा आउटवर्ड, यहाँ पे मतलब इधर हर जगह आउटवर्ड है, इधर हर जगह इनवर्ड है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी केस में यू मस्ट बी एबल टू गेस, ठीक है? चलिए देखें कैसे करते हो तुम लोग, छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। एन इलेक्ट्रॉन
वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप. व्हाट इज डिरेक्शन ऑफ बी टू द ईस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का ईस्ट को क्या मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता करना है. टू द ईस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ये मेरा अकेले का क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेन का क्वेश्चन है. कितना सिंपल है, सोचो. इलेक्ट्रॉन वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप. वर्टिकली अप पूछा, डायरेक्शन ऑफ बी पूछा है. हाँ इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन. सोचो 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 कि ये है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अक्सर आप बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हो, कोई चीज को ऊपर को फेंका वर्टिकली अपवर्ड, मतलब आप सोचते हो कि नॉर्थ की तरफ फेंका गया. ऐसा क्यों सोचते हो गलत सर? व्हाई यू थिंक नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर फेंका तो नॉर्थ की तरफ गया. हस तो यहां पे ये है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे फेंका गया बाहर, है नहीं? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ रहा है, कोई चीज को वर्टिकली फेंकोगे, इधर हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, अपवर्ड फेंके तो क्या नॉर्थ को फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे ना, तो ऐसे फेंके. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आया. अगर पॉजिटिव चार्ज निकल के आया होता थंब की डिरेक्शन में, तो फील्ड कुछ ऐसे होता. अब ये है इलेक्ट्रॉन, तो फील्ड कुछ ऐसे होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो टू द ईस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स फोर्स साउथ. क्या हजम हो रहा है? यस. लिखने के लायक कुछ है नहीं, समझने के लायक है. अपने हाथ घुमाओ, सर हाथ घुमाएंगे, हम डायरेक्शन देखेंगे, ऐसे नहीं बनता. मेहनत करो, अपना हाथ घुमाओ. क्या आप में से कोई भी अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो किसी भी केस में? हाँ चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन को सोचो और बताओ. यहां पर कोई एक चार्ज है, ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी में. यहां पर कोई एक चार्ज है, वो भी जा रहा है वी वेलोसिटी में, सेम चार्ज है. ये मिड पॉइंट है, यहां से ये आर है, ये आर है, ये आर है. आपको सोचना है और बताना है कि आउट ऑफ ए एंड बी व्हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मोर. सोचो आउट ऑफ ए एंड बी व्हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मोर. आउट ऑफ A and B, where magnetic field is more. B. सोचो सोचो. A पॉइंट दोनों का बीच में है, इसके लिए जितना होगा इसके लिए भी उतना ही होगा. अच्छा इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा A में, इसके लिए A में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे होगा? इनवर्ड. और इसके लिए आउटवर्ड. क्या हो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर जाएंगे? यस. जबकि बी में इसके लिए इनवर्ड और इसके लिए भी इनवर्ड. तो बी में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो, ए में मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. तो आप कहोगे बी एट ए इज जीरो बिकॉज द फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट. बी एट बी इज नॉट जीरो, इसका मतलब बी एट बी इज ग्रेटर देन बी एट ए. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए चार्ज्ड बॉल इज फिटेड
इन ए मूविंग कार। व्हाट इज टाइप ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द ड्राइवर। ड्राइवर को कैसा फील्ड मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, नॉन, ऐसे करके। एक मूविंग कार में एक चार्ज बॉल लगा, मैं पहले भी बता चुका हूं एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, मैं अगर एक चार्ज बॉल लेके खड़ा हूं तो यहां पर कौन सा फील्ड बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और भागूंगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं जब ये चार्ज बॉल लेके खड़ा हूं, आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बात सही है। क्या ये बॉल सचमुच रेस्ट में, अर्थ भी तो घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, because the ball is at rest with respect to me. जब with respect to me ये move करना लगेगा तो मुझे magnetic field मिलेगा। मैं अगर लेके भागूंगा मेरे को वही electric field मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? electric field के साथ साथ magnetic field भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो driver को क्या मिलेगा? क्या driver के लिए वो charge ball move कर रहा है? नहीं कर रहा है। So he will find only electric field, no magnetic field. समझ में आया क्या? लेकिन अगर कार से बाहर कोई रोड साइड में खड़ा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर कोई कंपास रखा है, दैट कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड एज द कार पासेस बाय। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? एज चार्ज, एज बॉल, एज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इज जीरो, देयरफॉर देयरफॉर he experiences no magnetic field but only electric field. उसको क्या मिलेगा? only electric field, no magnetic field. क्या मेरी बात समझ में आ रहा? हाँ बोलो। सर कार के बाहर आपने बोला सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इलेक्ट्रिक? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। अगर कार के बाहर कोई दूसरा चार्ज रखा है दैट विल बी रिपेल्ड, कंपास रखा है दैट बी आल्सो अफेक्टेड। कार के रोड साइड आदमी के लिए बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन जो अंदर बैठा उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ पे क्या डिफरेंस? हाँ कोई चीज मूव करेगा तब होता है, जो चीज मूव नहीं कर रहा है तेरे को दिखेगा, कोई मूव कर रहा है तो तेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, मेरे को नहीं दिख रहा है। यही तो भगवान है तुम्हारा, अल्लाह हमारा भगवान। चीजें नजरिया है अपना अपना, रिलेटेड टू ईच अदर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, ठीक है। मैग्नेट कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो कैसे बताएंगे कोई चार्ज मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता करते हो? हाउ टू नो? Always with respect to something. कौन सा चीज है जो कभी नहीं मूव करता? Can you say, is there anything existing? No, sir. We don't know what is there which is not moving. नहीं, हमें लगता है कि ये मूव नहीं कर रहा, जबकि हमें लगना, तुम्हें लगना इससे ऊपर और किसी को लगता है वही बता है, जो मंजूर खुदा होता है। Let us see, next question. Next question में A 20 microcoulomb charge moves with 100 meter per second towards positive x-axis. When it passes through origin 0 0, find magnetic field. Magnetic field at 3, 4.
कोई चार्ज पार्टिकल है ओरिजिन से जा रहा है इधर को जा रहा है 3-4 में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना सिंपल है, आपको वी दिया है, क्यू दिया है, आर मालूम है तो निकाल सकते हो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर, यू नो बी वेक्टर इज फॉर्मूला क्या है, म्यू क्यू वी साइन थीटा म्यू क्यू वी क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब है कि नहीं। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू क्या है? सर यहाँ वहां वहां नहीं हर जगह वही बराबर है, कितना है 10 पावर -7। अच्छा कोई बताएगा घी को हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कहाँ लिखा, कहाँ गया स्पीड, 100 आई कैप। और आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 0 से 3 4 3i कैप प्लस 4 j कैप नहीं। और आर मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना 3² 4² का रूट ओवर दैट इज 5। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? देखो तो सब कुछ आपको मालूम है, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सबका वैल्यू डालो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट समथिंग इन एमकेएस यूनिट, यू कॉल इट टेस्ला। घर में जाके बोलना सर हमको टेस्ला दिखाए, बोले मैं ओ तुम्हारे सर क्या क्या दिखाते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, तो फिर वैल्यू निकालो इसका कितना आ रहा है। गिवन कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, कोऑर्डिनेट किसमें, मीटर में है ये दिया गया, नहीं तो कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। तो कितना आ रहा है बी का वैल्यू, वेक्टर है भाई, आई कैप जे कैप कुछ तो रहेगा है। यू नो हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, वी है आई कैप, आर है 3i कैप प्लस 4j कैप, हड़बड़ा क्यों रहे हो, डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया हड़बड़ी में, दिख रहा है इतना बड़ा क्रॉस है कर दिया डॉट। कितना आंसर आया, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। चलो मुझे ही करना पड़ेगा, म्यू बाई 4 पाई इज 10 to the power -7, 1/r³ इज 1/125, Q तो है 20 माइक्रो कूलम, तो 20 × 10⁻⁶ नहीं, और V क्रॉस R मतलब 100 i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। और आपको तो याद होगा कि i कैप क्रॉस i कैप होता है 0, i कैप क्रॉस j कैप होता है k कैप, सो इट इज 400 k कैप। आगे की कहानी आप करो यार, मेरे से कितना करवाओगे ये सब छोटे मोटे चीज, ठीक है हाँ। कितना हुआ सर, 64 × 10⁻⁹। सॉरी मत बोलना, बोलने की जो आंसर बोलना है बोल दो, बाद में सॉरी सर मत बोलना। हाँ कितना हुआ, मुझे लगता है शायद कैलकुलेट कर रहे हो, शायद बात का क्या मतलब होता है, कैलकुलेट कर शायद देखो मुझे तो मालूम नहीं, बाकी के लोग जो बोलेंगे वही होगा, आपकी दुनिया है।
देखो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। कितना आया? 64 × 10⁻³⁴ k कैप टेस्ला ऐसा आया। ये इसका मतलब आपको पायरेट्स वर्ट लॉ का फील्ड ड्यू टू ए पॉर्टी चार्ज समझ में आया। बाकी की चीज अगले क्लास देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।